एवरीवन, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अगे मैं तुहानूं सारे मिलट बारे एक्सप्लेन किया होया ते इहदी स्पैशल वीडियो बनाई हुई है, तुसीं सारे ने वाच कीती सीगी। ते अज मैं ब्राउन टॉप मिलट दा तुहानूं आलू वाला परौंठा बना के दसदी हाँ ये किद्दां बनदा है। बहुत ही वधिया ते हैल्थी बनदा। ते चलो फिर स्टार्ट करीए। तो पहला असीं इह मेरा फोक्सटेल मिलट दा आटा आ, तो ये मैं आटा ही बाय किया। घर भी अपने मिलट नूं धो के सुका के बना सकते हो। तो जड़ा ना बिल्कुल मक्की दे आटे वांगू हुंदा, ये बाइंड नहीं छेती हुंदा। इहदी बहुत औखी हुंदी है आलू दे परौंठे दी बनाउणी। हुण मैं इहदे विच आ जड़ा आ उड़द दाल जिहड़ी मतलब मां दी दाल हुंदी धोती बिना छिलके दे, उह मैं इहनूं भी घर पीस लिया आटे नूं। तो एक अहीं इह पा लैणा कि मतलब कि इह हैगा आ फोर्थ, वन फोर्थ। तो एक वन फोर्थ थोड़ा जहा घट मैं बेसन भी पा रही हाँ। तुसी पाना पा लियो, ऑप्शन है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये बहुत वधिया बनता हैल्थी परौंठा। तो साल्ट तुसी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग पाना। तो हुण असीं आटे नूं आपां जिद्दां आपां आटा गुन्न के तैयार करदे हां उहदा डो बना के उस तरह असीं कर लैणा इहनूं मिक्स करके चंगी तरह। फिर मैं गर्म गर्म पानी लै लिया। फिर असी पानी दे नाल अपना जिहड़ा डो है थोड़ा थोड़ा पानी पा के ते अपना जिहड़ा तैयार करना अपना डो। फिर असी इहनूं बना के ते इहनूं जे ते तुसी डायरैक्ट आटा गुन्न रहे हो फिर तुसी इहनूं 2 घंटे गुन्न के रखना। जे तुसी जिस तरह आपां मिलट नूं 7 घंटे भिओ के उहनूं सुका के फिर ग्राइंड करके अपनी मिक्सी 'च जां किसे चीज़ 'च वी तुसी जिहदे 'च वी ग्राइंड करदे हो अपना आटा, ते फिर तुसी इहनूं 1/2 घंटा रखना आ। तो ये मैं आटा लै रही हूँ, इन्हें मैं 2 घंटे रखांगी। लो जी आटा मैं गुन लिया। ना ही हार्ड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, इदा का होना चाहिए। यह देखो बस हूँ अं इन उपर नैपकिन गिला दे के 2 आवर इन मैं रख देना है। फिर असी दोबारा यदि जी स्टफिंग वो मैं दस दी तुम बना के। जिनी देर असी आटा अपना डो बन रेडी होने रख दिता उन्नी देर मैं अपने जोड़े आलू है वह उबाल के ठंडे कर ले। तो यह मैं 5 आलू ले आ जिनी अपनी स्टफिंग भरनी उन्नी असी यूज़ करने हैं। तो आलू में तुसी ना कद्दूकश कर लो कि ग्रेट कर लो इस तरह ता कि जेडे ये लंप है वो कि साड़ी जी रोटी है फिर तुहानू पता है दूजे मिलट का आप परौंठा बनाना यदा थोड़ा जहा हार्ड बनता है तो टुटदा बहुत ज़्यादा है, इनू बड़े केयरफुल बनाना हुंदा है। तो जे आप वीट फ्लोर की बनानी हो तो बहुत ईजी बन जाती है। तो वो वागू ये फ्लैक्सीबल आटा नहीं हुंदा है। मैं पोटैटो जिहड़े ग्रेट कर ले आ। हुण आपां जिहड़ी वी इहदे विच इनग्रीडिएंट पैणे आ मैं तुहानूं ऐड करके दस दिंदी हाँ। सब तो पहला मैं पा रही हाँ साल्ट, इह मैं थोड़ा ही पाउणा क्योंकि मैं चाट मसाला ते परांठा मसाला भी पाउणा ते उहदे विच वी थोड़ा जिहा हुंदा ते आटे विच वी पाया थोड़ा जिहा गरम मसाला। मसाले ते तुसीं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ही पाउणे हुंदे आ, तुहानूं सारिआं नूं पता ही है। थोड़ी जिही रैड चिली ते मेरे हसबैंड नूं थोड़ा स्पाइसी लाइक है, थोड़ा फिर मैं स्पाइसी बनाना। ये हैगा चाट मसाला 1/2 स्पून, ये बड़ा छोटा स्पून है। ये परांठा मसाला, ये अजवैन थोड़ी है जरूर पा लेनी चाहिए 1/2 स्पून डाइजेस्ट वास्ते, साडा डाइजेशन सिस्टम वधिया रहिंदा है हैवी चीज खा के। आ थोड़ी जी 1 स्पून कसूरी मेथी है भी अहीं इदां मसल के पा लेनी है। फिर थोड़ी जी हरी मिर्च 1/2 स्पून, जिंजर है ग्रेट किया हुआ, अदरक ते आ धनिया कट के रखे हुआ मैं पहले ही। बस ये चीज़ां असी पा के ते असी अपनी चंगी तरह जड़ी स्टफिंग है आप तैयार कर लेनी है परौंठे वास्ते। लो जी असी ना इस परौंठे दे नाल खानी है हरी पुदीने वाली चटनी। तो तुसीं दही नाल अचार नाल किसी भी चीज़ नाल बटर नाल खा सकते हो, चाह नाल ते नाल चटनी भी स्वाद लगती हैगी है क्योंकि अजकल जिदा समर है तो डाइजेस्ट हो जाता पुदीने की चटनी वगैरह खाओ क्योंकि घर सारा कुछ लग्या होया है पुदीना धनिया फिर वह फायदा लेना चाहिए है। तो थोड़ा जहा साल्ट पा लो ये नहीं चटनी पाया की है तू पुदीना धनिया हरे प्याज भूकों वाले हरी मिर्च साल्ट तो यदि मैं मेरे ख्याल अगे पाई हुई है वीडियो तो मैं थोड़ा जहा अनारदाना है। तो अजकल वैसे अंबी दी चटनी स्वाद लगती है पर साडे इत्थे अंबियां मिलदियां नहीं बहुत कदी कदी देखते हैं आप
बस इन तुम आप इदा कुट के जो थोड़ा दिल करता तो एक टमाटर भी पा सकते हो तो इदा ही चटनी तैयार कर लैनी है परौंठे के नाल। तो आ जड़े मिलट की मैं तुम्हें परौंठा बना के दस रही हूँ, ये बहुत फायदे है तो इन्होंने सारिया बीमारियां ठीक होंदिया। जिन्हों कोई वड्डी प्रॉब्लम है, बीमारी का बहुत वड्डा इशू है तो वह कल कल मिलट खाना होंगे तो वो तुम्हें ठीक हो जाए काफ़ी प्रॉब्लम। तो जोड़े थोड़े हेल्थी है वो इस तरह ही तुम खा लिया करो, दो दिन जिस तरह बानजार, दो दिन कोदो, दो दिन फोक्सटेल, दो दिन लिटल मिलट, इस तरह वारी वारी पाँच मिलट है दो दो दिन खाने होंगे तो अभी इस तरह ही खाने। तो अज साड़ी वारी हैगी है जड़ा भी मैं बनाया ब्राउन टॉप की, अब ब्राउन टॉप का परौंठा बना रहे हैं। मैं क्या चलो नाले बना लें, उदा वैसे मेरे हसबेंड खाते नहीं है परौंठा कोई भी, तो मैं क्या चलो अज खा लो मैं रैसपी पानी है नाले तुम खा लो। आटा मेरा डो देखो बिल्कुल वधिया बन गया, दो घंटे हो गए हैं तो इन्ना क मैं लै रही हूँ, तुम अपना देख लो जिन्ना बनाते उन्ना लै सकते हो। फिर असी इस तरह करके पेड़ा बना लें, जरूरत नहीं है कि बहुता व्डा बना दी, तो छोटा ही बना लो क्योंकि ये थोड़ा जहा तुम पता ही है, तुम अगे दसिया ये थोड़ा हार्ड बनता उदा ही बनता है जिस तरह आप रेगूलर बनाने पर यह थोड़ा आटा दूसरा होंगे है। इन आप कटोरी की शेप वांगू बना लेने हैं। तो मैं मिट्टी का तवा तो बना रही हूँ, गुंजे भी बन जाता है, इन्हें सोचो कि ये तो जरूर बनाना होंगे है इस तरह करके। तो तुम थोड़ा जहा थले घ्यो ला सकते हो जो लाना, तो नहीं तो इदा भी बना सकते हो। फिर आप आलू की स्टफिंग ला लेनी है इस तरह करके गोल करके अद्धा ये भर लेनी है। पर अं इस तरह करके हौली हौली जिदा आप दूजा बनाने दबा दबा के इदा कर लेना, कटोरी जी बंद इदा शेप बना बना के ना इस तरह कर लेना, सारी स्टफिंग इदा बिच कर लेनी उंगलों नाल, आटा सारा उपर न हो जाए तुहाडा तो वधिया बन जाती है। पर बिच तुहानू कुछ ऐड करना पैंदा कुछ ना कुछ, तो जिहड़ी ती आपां रैगूलर सादी रोटी जां विच जां सी विच ही कोई चीज़ पा के गुंदे वह तो ठीक बन जाती है, स्टफिंग वाली थोड़ी जी मुश्किल होंदी है। तुहानू जे थोड़ा जिहा लगता कि इत्थों थोड़ा जिहा जिस तरह लग रहा तो थोड़ा जिहा इस तरह आटा लगा लो उपर। फिर इस तरह तुम थोड़ी हत्थां नाल वधा लो, फिर सुक्का आटा थले पा लो, इन बड़ी केयरफुल हौली हौली तुम वेलना है ताकि फटे ना। तो बड़े ही सॉफ्ट हाथ दे नाल ना स्लोली स्लोली इन तुम वेलना, हौली हौली वेलना, हौली हौली तवे ते पानी है क्योंकि यदा टुटन का थोड़ा जहा खतरा ज़्यादा होंगे पर कोई ज़्यादा नहीं है औखी, जो एक दो बारी तुम बनाओगे आपे ही तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि फिर मिलट खाने कल तो फिर कभी दिल करता ही ना कभी इदा की चीज़ खाने। आ देखो हूँ सारी मेरी सारी बन गया सारा, हूँ आप जरा मैं मिट्टी का तवा लिया तो यह मैं इंडिया तो लियाई ही, इन अं नॉन स्टिक कर लेना थोड़ा जहा घ्यो ला के, तुम तेल भी ला सकते हो बिल्कुल लाइट जहा करना। फिर इदा बड़े आराम नाल चुक के इस तरह इतने पा लेना परौंठा, देखो कितना वधिया बन गया ना। पर ये थोड़ा से कुक होने भी टाइम लगता, हूँ इदा मीडियम सेक कर लिया मैं, हूँ मैं इन पलटा के दसदी हाँ तुहानू। आ देखो वधिया बन गया ना, फुल भी रहा है। हूँ आपां नूं थोड़ा जिहा क्योंकि ज़्यादा घ्यो नहीं लगाना मैं, तुसीं ज़्यादा लगा सकते हो जे लगाना, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैं अपना देसी घ्यो लगा रही हूँ। हूँ असीं इधरों भी थोड़ा कुक होन देना है, मैं इधर थोड़ा घ्यो लगा लिया ही, हूँ इधर इधर भी थोड़ा लगा दें। परौंठा साडा बहुत वधिया बन गया, तो एक मैं तुहानू दूसरा एक होर बना के दिखा दिनी हाँ। लो जी परौंठा बन के रेडी हो गया, हूँ मैं दूसरा बना लैनी, दूसरा मैं तुहानू लोहे के तवे ते बना के दसदी हाँ।
ਅਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਤਵੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਰੜ ਗਿਆ ਪਰੌਂਠਾ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਈਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਘਿਓ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਆ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰੌਂਠਾ ਤਿਆਰ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ ਪੂਰਾ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰੌਂਠਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਲਟ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੇਟ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛਾਏ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ